इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के अपदस्थ कुलपति योगेश त्यागी को फिर से कुलपति बनाने का फैसला लिया जा सकता है। योगेश त्यागी मार्च में रिटायर होने भी वाले थे। ये भी माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में उन्हें रिटायरमेंट की तारीख पर कार्यमुक्त कर विदाई दी जा सकती है। ऐसी प्रक्रिया कुलपति के सम्मान को वापस लौटाने के लिए अपनाई जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय की आज एक अहम बैठक होने जा रही है, आपको हम ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जिसमें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अपदस्थ कुलपति योगेश त्यागी को फिर से कुलपति बनाने का फैसला इस मीटिंग में लिया जा सकता है। योगेश त्यागी मार्च में रिटायर होने वाले थे। माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में उन्हें रिटायरमेंट की तारीख पर कार्यमुक्त कर विदाई दी जा सकती है। ABP News आपको रखे आगे।